चलिए नमस्कार आदाब सलाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एमडी क्लासेस वाले सत्यम सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है उसका मैथ का सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कभी कभी वीडियो जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ और बहुत सारा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ पे आपको दिखेगा कि निम्न में पाई चार्ट में भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या 12,40,000 है। तो हमसे पूछा जा रहा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फोन निर्मित है। देखिए इस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर गलती क्या हुआ है, जो ABCD का जो मान दिया गया है वो आपको इस तरीके से देना चाहिए था। देखिए हम मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखिए, ये जो है एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है कितना है, ABCD नीचे। अगर इसी को अगर मान लीजिए ये आपका ABCD रहता है, ये आपका XYZ रहता है, ये आपका PQR रहता है, ये आपका DEF रहता है और ये आपका LMN रहता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 5% है, ये 25% है, ये 12% है और ये जो है ये आपका मान लेते हैं इसको भी 25% और इसको 28% मान लेते हैं। 25, 25, 50, 12, 28, 40, 25, 25, 50, 55 और ये 40, 90% हो रहा है, यानी कि हमको इसको करना है 100%। मान लीजिए 12%, अगर ये 38% रहता तो काम हमारा हो जाता 38, ये कितना हो जाता 50, नहीं 38 नहीं, ये 28% ठीक तो है। 28% अगर ये है, ये 12, 28 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये 5% नहीं, इसमें कम से कम 28 नहीं, इसको हम 33% कर दें, इसको 33% कर दें तो चलिए हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा होगा ना वही क्या नाम होगा, वही सबसे ज़्यादा। अब मान लीजिए LMN है, अगर ये 33% निर्माण करता है इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे LMN हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में जो है इस तरीके से जो आप देख रहे हैं डायग्राम में सही तरीके से नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि ए का मान 1 हो, यदि ए का मान 1 हो और इक्वेशन हो 15 a³ - 3a³ - 1 - 4a³⁴ + a³ - 3 + a³ - 1। अब देखिए अब a का वैल्यू इन इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो a का मान कुछ भी क्या क्यूब रखिए यही रहेगा, तो ये इक्वेशन ये हमारे पास हो जाएगा 15 - 3a³³ - 1 - 4 × 1⁴ चार ही रहेगा, प्लस a का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -3 प्लस a का क्यूब 1 - 1 = 0 हो गया, काम खत्म। यहाँ हो गया 15 - 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2, -4 + 1 = 5, 5 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, 2, 4 यानी कि 15 - 4 = 11 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया वो 3:1 दिया, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है 3:1 दिया हुआ है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, यही होता है परिमाप दिया है 96, 2 × लंबाई प्लस अगर इसे हम मान लें 3x, इसको मान लें x, ये क्या हो जाएगा 3×4 × 8x, 96 = 8x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, 96 यानी कि 12। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है
तो इसकी आयत की लंबाई कितना हो जाएगी, तो 12 की है 36, कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक लड़के की औसत गति ज्ञात कीजिए यदि वह दूरी का 1/3 / 2 मीटर पर सेकंड की चाल से और शेष दूरी को वो 12 मीटर पर सेकंड के गति से बाइक से चलाता है। कुल दूरी 1.4 किलोमीटर है। 1.4 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो ये कितना हो जाएगा 1440 मीटर। और 1440 मीटर का 1/3 देखा जाए तो कितना हो जाएगा जी, 3 × 12 = 24, 480 मीटर। 480 मीटर किससे चलाता है, 1/3 / 2 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है। टोटल दूरी कितना है 1440, अगर 480 मीटर की चाल से चलता है तो शेष कितना बचेगा 0 × 6 = 13 × 4 = 9, यानी कि 960 मीटर जो चलाएगा वो किससे चलाएगा, बाइक से चलाएगा। अब देखिए हमसे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब बात को समझिएगा, समय क्या रहेगा, दूरी 480 मीटर चलता है 2 मीटर के चाल से और 960 मीटर चलता है 12 मीटर पर सेकंड के चाल से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24 × 48, यानी कि 240, 12 × 96 = 80, यानी कि 240 + 80 यानी कि 320 सेकंड यहाँ पे लगता है, यानी इसको समय कितना लगा 320 सेकंड। तो कुल औसत गति यानी कि टोटल औसत गति क्या हो जाएगी, टोटल औसत गति पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, यहाँ चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय। दूरी कितना है जी, टोटल हो गया 1440 बटे में समय कितना लग गया 320। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं आपका 18/5 से गुना करते हैं। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब क्या नाम है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दिए 16 × 2 = 32, 2 × 9 = 18, 16 × 9 = 44, 9 × 9 = 81/5, यानी कह सकते हैं 16 × 5 = 80, यानी कि 16.2 मीटर पर सेकंड क्या किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकेंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब बात को समझिएगा, देखिए 130 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन जो है 130 मीटर लंबी है। मान लीजिए यहाँ सुरंग एक होगा, यही सुरंग के अंदर ये पार करेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ट्रेन यहाँ होगी होगी, तो ये ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये दोनों पार करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। हमारे पास समय क्या दिया हुआ है, 20 सेकंड का समय दिया है, दूरी हमारे पास 130 मीटर ये है और 70 मीटर सुरंग है, तो चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कहिएगा जी बिल्कुल हम चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर आ जाएगा 200/20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। चाल हमारे पास क्या निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 18 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ट्रेन का चाल आ गया। अब कह रहा है कि अगर ट्रेन से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कहा जाए तो समय क्या होगा, अब समय क्या होगा, तो समय बराबर हो जाएगा 1080 किलोमीटर दूरी और बटे में 36 के चाल, 36 × 108 होता है, यानी कि समय कितना लग जाएगा 30 मिनट आपका लग जाएगा, 30 घंटा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राम उसी दर पर 10 पेंसिल बेचता है जिस पर उसने 30 पेंसिल खरीदा था। अगर राम का 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस और 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस को अगर हम x मान लें, तो यहाँ 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस अगर x रुपया है
30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस अगर ₹1 है तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ₹1/30 हो जाएगा। बात समझ में। अब देखिए 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ₹1 है तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ₹1/10 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ क्या होता है जी, लाभ प्रॉफिट जो होता है ये आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यही होता है, यहाँ सेलिंग प्राइस देखा जाए तो ये हो जाएगा ₹1/10 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा ₹1/30 बट्टे में ₹1/30 गुना में 100। 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 में 3x माइनस का x बट्टे में ₹1/30 गुना में 100, ये ऊपर हो जाएगा 2x बट्टा में 30 बट्टा में ₹1/30 गुना में 100। 30 से 30 कट गया, x x 2 गुना 100 यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 200% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उसका अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात क्या है जिसके हर और अंश का अंतर जो है हर और अंश में 36 का अंतर है और उसका सरलतम रूप जो है ये 9/5 है। अगर अंश और हर देखेंगे, अगर मान लें अंश और हर को अगर हम ए बट्टा बी जो है भिन्न को मानेंगे तो इसका अंतर दिया है, अंश और हर का अंतर कितना दिया है, 36 दिया है। क्या दिया है, 36 दिया है। अब देखिए ए बट्टा बी का जो सरलतम रूप है वो कितना है, 9/5 है। अगर हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9b/b, ए का वैल्यू अगर देखेंगे तो बी उधर चला जाएगा 9b/5। अब इसको अगर इसको हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9b/5 माइनस का b बराबर 36, ये 5 एलसीएम हो जाएगा यानी कि 9b माइनस का 5b बराबर 36। 9 में से 5 जाएंगे क्या हो जाएगा, 4b/5 बराबर 36, तो ये हो जाएगा 4×9=36। बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 9×5=45। जब बी का मान हमारे पास 45 निकल के आ जाएगा तो ए का मान निकाल लेंगे, ए माइनस 45 बराबर 36, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 45+36, 6×5=11 का 1 × 1=4 5×3 यानी कि 81। अब हमसे पूछ रहा है उसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो सरलतम रूप यानी कि ए बटा बी क्या हो जाएगा, 81/45। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 462। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr² होता है जो कि 462 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो 3×22/7×r² = 462। अब इसको काट देंगे, 3 × 3, 3×5=15, 3×4=12, 3 से कट गया, 22×7 कितना हो जाएगा, 7×22 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ से r² का मान हो जाएगा 7×7, तो r का मान क्या हो जाएगा, 7। जब r का मान हमारे पास 7 आ जाएगा तो हमसे डायमीटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2r होता है यानी कि 2×7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा व्यास, क्या हो जाएगा, 14। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सॉल्व करना है 32×36/6^4×3²-600+256×6.5। अब देखिए यहाँ क्या है, 32×36/6^4 है तो इसे हम 36×36 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या 3² है तो इसको 9 लिख सकते हैं, माइनस का 600+256 को 6 से गुना करेंगे ये आपका 1664 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1×36 से 1×36 कट गया, 9×36=32 यानी यहाँ आ गया 8×600+1664 यानी ये हो जाएगा 1600, 8×4=12 हमें 1600
72 माइनस 600 ये कितना हो जाएगा 1072। क्या हो जाएगा 1072 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि किसी घन के सभी कोरों की कुल लंबाई 112 सेंटीमीटर है तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि घन का कुल लंबाई कितना दिया 120 सेंटीमीटर, घन में कितने कोर होते हैं तो 12, इसे 12 से भाग दीजिएगा यानी कि भुजा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा भुजा आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना 10 का स्क्वायर यानी कि 600। क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उस लंब वर्तुल बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अंतर क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयतन 1408 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए अगर मान लें बेलन का ऊंचाई को h और त्रिज्या को हम r मान लें, ठीक है। अब कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बेलन का देखा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है 352 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ 352 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh बराबर 352 होता है। यहाँ से देखेंगे 2π/22/7 RH बराबर 352। अब इसको काटते हैं 2 एकम 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 176 में। अब ये कट जाएगा 22 × 8 = 176, यहाँ से RH का मान क्या आ जाएगा 7 × 8 = 56। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का अगर हम आयतन देखें ये कितना क्यूबिक दिया है 1408 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है πr² h = 1408, ठीक है। अगर यहाँ हम लिख दें 22/7 r × RH, ये RH का मान यहाँ 56 दिया है तो हम यहाँ 56 इसको डायरेक्ट लिख देते हैं जो कि 1408 के बराबर है। 7 × 8 = 56 हम यही काट देते हैं। 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 8 14 × 7 = 6, 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48, 176 बार में। तो 22 से ये कर जाएगा 22 × 8 = 176, यानी कि R का मान क्या आ गया 8 आ गया। जब यहाँ से R का मान 8 आ गया तो H का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब RH का मान 56 है और R का मान 8 है तो H का मान क्या हो जाएगा 8 × 7 = 56, H का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अंतर 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सुश्री आयशा ने 5% साधारण ब्याज पर 1000 रुपये उधार लिए, 4 वर्षों के बाद वह ऋण चुकाने के लिए कितने राशि का भुगतान करेगी। 1000 रुपये उधार लिए। अब एसआई की बात की गई है, एसआई बराबर क्या होता है PRT अपॉन में सर होता है। 5% के हिसाब से 1000 रुपया लोन लिए 4 वर्ष के लिए, 2 × 2 = 4, 40, 4 × 2 = 200, यानी कि 200 रुपये उसका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1000 रुपया तो मूलधन है, 200 रुपये इंटरेस्ट है, यानी कि टोटल उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा तो 1200 रुपया। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई क्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए लंबाई को चौड़ाई को भी मान लें तो पेरीमीटर क्या दिया है 2 × लंबाई + चौड़ाई, कितना पेरीमीटर दिया है तो ये आपका दिया है 82 मीटर। 82 मीटर 2 से कट जाएगा 41, यानी L + B का मान क्या दे दिया है 41, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई × चौड़ाई जो कि 400। अगर हम देखें यहाँ से L का मान देख लें तो 41 − b कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। L का मान अगर हम 41 − b कर दें गुना में b बराबर 400, ये हो जाएगा 41b − b² = 400। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b²
-41 बी प्लस 400 बराबर 0। अब ये हमारा इक्वेशन तैयार है। हम देखेंगे 41 करना है और इसका गुणनफल करना है 400, तो यहाँ 25 और 16 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 25 और 16 निकल के आएगा। देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 25 बी माइनस 16 बी प्लस 400। यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा तो बी माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा तो ये आपका बी माइनस का 25 बराबर 0। यानी कि एक इक्वेशन हो जाएगा बी बराबर 16, एक हो जाएगा बी बराबर 25। यहाँ से बी बराबर 16 और बी बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चौराई निकालने के लिए पूछा था, आयताकार खेत की चौराई क्या होगी। देखिए अगर हम देखेंगे कि इन दोनों का 25 और 16 यानी कि लंबाई ज़्यादा होता है और चौराई कम हो सकता है, या चौराई ज़्यादा हो सकता है या लंबाई कम हो सकता है। तो यहाँ से एल का मान 41 माइनस बी है, तो अगर हम एल बराबर रखें 41 माइनस बी, अगर हम 16 रखेंगे तो एल 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग क्या हो जाएगा? दो ट्रेन है, एक 50 के स्पीड से एक 58 के, दोनों विपरीत दिशा में चल रही, तो ये क्या आ जाएगा? हमसे पूछा गया है तो ट्रेन की लंबाई का योग क्या हो जाएगा। देखिए समय हमको दिया है, दोनों का समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब इन दोनों का सापेक्ष चाल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस 58 ये हो जाएगा 108। ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 × 6 = 108, 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी इसका चाल जो है क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का जो क्या हो जाएगा? ठीक है, जब हमारे पास चाल निकल के आएंगे, समय निकल के आए, दूरी दोनों ट्रेनों का समय कितना दिया है? तो प्रश्न में दिया है 10 सेकंड। दोनों ट्रेन यानी कि T1 + T2, चाल क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। तो T1 + T2 का जो क्या हो जाएगा? 30 × 30 यानी कि 300 मीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के है। यदि पहली दो संख्याओं का योग 27 है, पहली दो संख्या अगर इन सभी को x के रूप में मान लें, ये x, ये 2x और ये 3x, पहली दो संख्याओं का योग यानी x प्लस 2x का मान 27 है और अंतिम दो संख्याओं का अंतर, अंतिम दो संख्याओं का अंतर यानी 3x माइनस 2x का मान कितना है? अंतिम दो संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए 3x का मान 27 है तो x का मान क्या आ जाएगा? 9। जब x का मान 9 आ जाएगा तो 3 में से 2x क्या आ जाएगा? x, यानी कि अंतर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अंतर 9 हो जाएगा तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि √1287 + √64 + 289 का मान क्या होगा? अब देखिए ये 289 क्या हो जाएगा? 17 + 64 क्या हो जाएगा? 7×4 = 11 के एक हाथ में 1 × 6 = 81। √81 का मान क्या हो जाएगा? 9। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 × 7 = 16 के 6 हाथ में 8 × 1 = 9, 1296 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक कंपनी में 80% कर्मचारी कॉफ़ी और 70% चाय पीते हैं। 80% क्या पीते हैं? कॉफ़ी, और 70% चाय पीते हैं यानी कि टी पीते हैं, जबकि 65% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 65% चाय, कॉफ़ी और टी कितना पीते हैं? 65%। तो दोनों पीने वाले संख्या की, दोनों यानी कि कॉफ़ी और चाय पीने वाले की संख्या देखा जाए तो 70 + 80 - 65 यानी कि 150 में से कितना हो जाएगा? 80 + 70 = 150 - 65 ये कितना हो जाएगा आपका? 10 × 5 = 5, 14 × 6 यानी कि 85% तो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉफ़ी चाय दोनों न पीने वाले के,
अगर कॉफी और चाय पीने वाले की संख्या 85 है तो नॉन पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 - 85 यानी कि 15%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 12 पूर्णांक 4/5 + 16 पूर्णांक 1/3 - 18 पूर्णांक 2/15 का मान क्या है। 12 + 7 = 64/5 + 16 = 48 + 49 = 3 माइनस ये कितना जगह 18 = 180 = 18 + 5 = 90 यानी कि क्या हो जाएगा 270 / 272 - 15। 5 × 3 = 15 कैसे क्या हो जाएगा 15, 5 × 3 = 15 3 × 12 = 2 हाथ में 1 × 18 = 19 = 192 3 × 5 = 15 / 45 = 5 हाथ में 4 × 5 = 20 + 24 = 245 - 272 ये हो जाएगा 2 × 5 = 7 9 × 4 = 13 हाथ में 1 × 1 = 2 437 - 272 को घटा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 × 2 = 5 13 × 7 = 6 3 × 2 = 165/15 165/15 को 5 से अगर हम काट दें तो ये कितना में चला जाएगा 16 × 15 = 150 चला जाएगा यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग 3 संख्या से 14 अधिक है तो सबसे छोटी संख्या है 3 क्रमागत संख्या का सम, 1 हो जाएगा x + 2 1 हो जाएगा x + 4 1 हो जाएगा x + 6। अब कह रहा है 2 संख्याओं का योग यानी x + 2 + x + 4 का जो योग है 3 संख्या से 14 अधिक है यानी x + 6 + 14 अधिक है 2x + 6 = ये हो जाएगा x + 14 = 20 x इधर आ जाएगा तो 2x - x ये हो जाएगा 20 - 6 यानी x का मान क्या आ जाएगा 14। जब x का मान 14 आ जाएगा तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा x + 2 यानी कि 14 + 2 यानी कि 16। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक समान पंचभुज पेंटागन के प्रत्येक आंतरिक कोण एंगल का माप क्या हो जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का योग जो होता है वो क्या होता है n - 2 × 180 होता है। पेंटागन है तो 5 - 2 × 180 यानी कि 5 × 2 = 18 × 3 = 540 तो प्रत्येक एंगल का कोण क्या आ जाएगा 540 को 5 से भाग दे देंगे 108 डिग्री। प्रत्येक एंगल का मान क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 कहता है कि 10 किलोमीटर/घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है और वह अपने गति 2 किलोमीटर बढ़ा देती है फिर भी वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या हो जाएगी 15 और 5 अंतर क्या हो जाएगा 10 मिनट का। देखिए इस तरह के प्रश्न को दूरी निकालने के लिए क्या होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का अंतर। 4 पहले 10 था 2 किलोमीटर बढ़ा दी 4 कितना हो गया 12 अंतर क्या हो जाएगा 12 - 10 समय देखिए 15 मिनट लेट पहुंचती थी फिर भी 5 मिनट देरी से पहुंचती है तो अंतर कितना हो जाएगा समय का 10/60 ये हो जाएगा 12 में से 10 गया 2 ये हो जाएगा 2 × 12 10 × 60 यानी दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर उसका दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 110 - 4³ - 37 - 136 / 17 × 20 के ऊपर बार है ब्रैकेट बंद है बात को समझिएगा। अब देखिए जिसके ऊपर बार लगता है ना उसका काम हम लोग पहले करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे 17 × 34 यानी कि 340 से 136 में भाग नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है यहाँ 20 नहीं होकर 2 होना चाहिए बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है अगर ये 34 है तो 34 से ये कट जाएगा 4 बार में ये कट जाएगा 4 बार में 37 में से 4 चला जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है तो 64 होता है तो यहाँ पे 64 आएगा
चार में से तीन जाएगा एक, छः में से तीन जाएगा 31, 31 में से 53 को अगर हम घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 5 में